गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत कहते हैं ना कि बड़े दिनों बाद मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ, घर के सारे काम मुकम्मल हो गए हैं और अब मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मामूल है मेरा उसमें आ गई हूँ। वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब गुजर रही हो और उसमें कोई सरप्राइज़ आपको मिल जाए, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आपको सरप्राइज़ मिलता है तो आपको ज़िंदगी जो है ना वो एक दोबारा से एक दफ़ा फ्रेश कर देती है। और वो सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं? बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए, मियाँ कोई गजरा ख़रीद के ही ले आए, कोई छोटी सी चीज़ ले आए, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आए, एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आपको कोई ऐसा काम मिल जाए, आपकी कमेटी निकल आया, भूल गए हो कि अच्छा हाँ कमेटियाँ दी हुई थी, अरे वाह इस महीने मेरी कमेटी निकल आई, या आपका कोई ऐसा पॉइंट्स जमा हो जाए जिसकी वजह से आपको नया मोबाइल मिल जाए या कोई और ऐसी चीज़ मिल जाए। जैसे हमारे वो पानी वाले हैं, उन्होंने कहा आपके बाजी इतने पॉइंट्स जमा हो चुके हैं, आप ये चीज़ें ले सकते हैं, तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। सो और ऐसे बहुत सारे सरप्राइज़ होते हैं। सच्ची बात ये कि कोई पुराना रिश्तेदार जो आपका बाहर शिफ्ट हुआ हुआ है और वो अचानक आ जाए और आपको सरप्राइज़ दे, उसमें भी खुशी मिलती है। और आपको पता है मेरे रिश्तेदारों को ये बीमारी है, मेरी ख़ास तौर पर मेरे ननियाल को सरप्राइज़ देने की बीमारी है। मेरा आधे से ज़्यादा जो ख़ानदान है वो जर्मनी में है और आधे से ज़्यादा कनाडा में। सो अब जब भी वो आते हैं ना वो छुप छुपा के सरप्राइज़ बताना नहीं, ये सब चीज़ें चलती हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम जर्मनी जो है, मेरी खाला एक यहाँ रहती हैं पाकिस्तान में, वो जर्मनी जा रही थी, उन्होंने सबको कहा बताना नहीं, हमने बताया नहीं। जब वो एयरपोर्ट पे गए उनको कोई लेने ही नहीं आया, बेचारी खड़ी हुई है बाप सिम भी नहीं, कैसे फ़ोन करे, यानी उन बेचारी को कोई लेने नहीं आया, सरप्राइज़ खुद उनके गले पड़ गया। उसी तरह बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब वो स्क्रीन से, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, ज़ाहिर है उनकी शादियाँ होनी होती हैं और प्यारी प्यारी लड़कियाँ जल्दी निकल जाती हैं, रिश्ते आते हैं और जल्दी उनकी शादियाँ हो जाती हैं, और जब वो आपकी फेवरेट होती है ना और आपको सरप्राइज़ मिले, आ हा 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 निदा के शो पे तो वो लड़की है, वो वाला जो वो कैरेक्टर प्ले किया था उसकी तो झट मंगनी पट ब्याह शादी हुई और एकदम सरप्राइजिंगली वो चली गई फील्ड छोड़ के। सो जब आपको वो सरप्राइज़ मिले तो आपकी सुबह अच्छी गुजरेगी कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सरप्राइज़ मैं आपको आज देने वाली हूँ। एक आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो हमें बड़ी प्यारी लगती थी, छोटी सी, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए, अलग अलग चैनल्स पर आपको अलग अलग ड्रामों में नज़र आई और एकदम आप क्या देखते, अरे मायों के जोड़े में, अरे मेहंदी के जोड़े में, अरे शादी, अरे निकाह, अरे ये क्या और ये जा वो जा, मतलब कि आपको पता भी नहीं चला और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। लेकिन ये मोहब्बत की दास्तान, ये शादी की दास्तान, ये सारी इतने सारे सवालात अधूरे वो छोड़ गए। सो आज मौका मिलेगा उनसे उन सारे अधूरे सवालात को पूरा करने का। लेकिन उससे पहले एक और सरप्राइज़ आपको, डबल सरप्राइज़ दे रही हूँ आज मैं। हाँ जी, आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे इनामात। आइटल दे रहा है आपको मौका जीतने का एक कार, ढेरों बाइक्स और मुख्तलिफ इनामात। करना क्या है आपको, सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपने खरीदना है आइटल का फोन और उसमें सिम एक्टिवेट करके अपना नाम, शहर का नाम, IMEI नंबर ये लिखना है और आपको SMS करना है, मैं पढ़ के बताऊंगी आपको ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। 03143483575 इस नंबर पर आपने कर देना है SMS और इंतज़ार करें, क्या पता आपकी आप ही वो खुशनसीब हो जिनको सरप्राइज़ मिले, गाड़ी निकल आए, बाइक्स निकल आए और ढेरों इनामात निकल आए। सो जल्दी 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 फ़ोन उठाइए, बल्कि अभी आपको आइटल का फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, आपके फ़ोन से ये काम नहीं चलेगा। आइटल का फ़ोन ख़रीदें, सिम डालें, सिम एक्टिवेट करने के बाद उसमें अपना नाम, शहर का नाम, IMEI नंबर जो मोबाइल का नंबर होता है, ठीक है ना, और जो मैंने आपको नंबर बताया उस पर SMS करके भेजें। ये काम आज ही करें ताकि लकी ड्रॉ में एंटर होकर आप जीत सकें ढेरों इनामात, कार और बहुत सारी बाइक्स। तो जी सरप्राइज ख़त्म करो, अभी नहीं, बर्दाश्त करें। सोचिए वो कौन सी बच्ची है, वो बहुत प्यारी सी लड़की जो ड्रामों में आते आते एकदम चट मंगनी पट गया, याद करें, थोड़ा सा इनका इम्तिहान लो या इनका सरप्राइज ख़त्म कर दूँ, जाने से पहले ही ख़त्म कर दूँ, हाँ ब्रेक पे जाने से। ओके सही है भाई, मेरी टीम कह रही है नहीं, अपने नाज़रीन को इतना ना तड़पाएं, क्योंकि मैं
आपको बुलाने वाली हूँ, मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी प्यारी सी लड़की से। आई थिंक कितने कितने अरसे पहले उसकी शादी हुई थी ये मैं ज़रा सोचती हूँ, लेकिन उससे पहले आप जाइए फ्लैशबैक की तरफ और ड्रामे का एक क्लिप देखिए, फिर बताती हूँ क्या हुआ था कहानी, जाके देखिए। हानिया बेटा, क्यों कब तक अपने इस कमरे में बंद रहोगी? बाहर आओ, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारो। क्या हो गया बेटा, अपनी फ्रेंड से मिलो, सब फोन कर रहे हैं तुम्हारे लिए। इस तरह से तो तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, क्या बात है? माँ आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ओके, फ्रेशन अप एंड कम डाउन, गो गुड गर्ल। ऐसी प्यारी सी लड़की जिसके बाल मुझे एक अच्छे से याद है, एक ड्रामा था जिसके पूरे बाल उसने क्रिम्प किए हुए थे, कर्ली बाल रखकर अलग अलग गेटअप्स के साथ ड्रामों में आती थी सनिया शमशाद। आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है, बहुत सारा काम एकदम किया और उसके ड्रामों के नामों में शामिल है असीरजादी, मेरा साईं, कराची वेज लाहौर, सत के तुम्हारे, पिया नाम का दिया, प्यारी बिट्टू और बहुत सारे ड्रामे छोटी सी उम्र में इसने कर डाले और फिर चट मंगनी पट गया। इतने प्यारे से दोनों आज जो ये खूबसूरत जोड़ी है सानिया शमशाद की और उनके हस्बैंड हिदायत सैयद आज हमारे साथ है। और देखिए ना, मतलब उस वक्त हम पीछे पड़े रहे, हमें इंटरव्यू दे दो, रुक जाओ इंटरव्यू दे के जाओ। अब आई है ये अपने छोटे से अजलान को गोद में लिए हुए, सो अब ये दो नहीं बल्कि तीन हो चुके हैं। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस हिदायत सईद विद छोटू मुन्ना काका अजलान सईद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ओए होए, हम तड़प गए थे आप लोगों से मिलने के लिए, इधर आइए। हाँ जी, कैसे हैं आप दामाद जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, मेरी जान। हेलो, आप तो बहुत बहुत हंसमुख है अपनी अम्मा की तरह। आपकी अम्मा ने बहुत रोने वाले कैरेक्टर्स भी किया, आपको पता है जब आप बड़े होंगे फिर आप देखेंगे हंसने वाले भी किए हैं, पटाखा भी किए हैं। हैं? He likes pretty girls. वाह, आप ठड़की हैं। Not that. He's got a choice. Oh my God. मेरा please बैठे। मेरा जो बेटा 10 महीने का था, बहुत छोटा सा था, वो मैं किस्सा हर किसी को सुनाती हूँ। सम लाहौर में किसी पार्लर में मेरा ब्लो ड्राई हो रहा था, वो रो रहा था, वाह बहन बहन, चुप ही नहीं हो रहा था। रीमा जी आई, उन्होंने मेरे बेटे को अपने गोद में लिया और यूँ सीने से लगा के चुप। वो मैंने तो वो भी ऐसी, मैंने इसलिए कह रही हूँ, अजलान जैसे जैसे पेटी लड़की देखी हंसना शुरू। कितने बड़े हो गए अजलान? He's 5 months old. ओए होए होए, माशाल्लाह। सो जी, आप लोगों की तो अधूरी कहानी छोड़ के आप चले गए हमें। बिल्कुल, हम आप लोगों के पीछे पड़े रह गए कि शादी की तस्वीरें ये सब वायरल और एकदम आए आप भाई लड़की को ले गए उड़ा के। जी बस सब कुछ अचानक से हो गया। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। थैंक यू। आप वो कहते हैं ना कि वो जोड़ी आसमानों पे बनती हैं सानिया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने अरसे काम किया सानिया? तुम्हें सब सानिया शमशाद कहते थे जी, जी, है ना? It's Sanya. अब तो मुझे इतनी आदत हो गई, कहीं से भी कोई सानिया कहते हैं कहती हूँ जी। हाँ। फौरन पता चल जाता है। काम काफी अरसा किया, फिर शादी हो गई। तुमने काफी काम किया था, मतलब एक साथ? और मैं जब मेरी शादी हुई है तब भी मैं काम कर रही थी। अच्छा। और जब मेरा रिसेप्शन हुआ है, मैं वापस आई हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कराए और फिर मैं चली। मैं लाहौर में हुई थी, तुम लोगों की शादी कहाँ हुई थी? लाहौर पाकिस्तान। हाँ, अभी लाहौर पाकिस्तान में। जी 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 जी। सो आपने कहाँ देखा था सानिया को? ये लड़की आपकी आंखों में कहाँ भाई थी? ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। तो क्या हम हमारे पास 2.5 घंटे हैं, और कितने घंटे चाहिए आपको? मैं दूसरी किस्त भी बना सकती हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वेल, मेरे बहुत खास फ्रेंड हैं जो लाहौर से ही हैं, उनका नाम काशिफ है, एंड वो मेलबर्न में, हम दोनों एक साथ पढ़ रहे थे यूनी में, मेलबर्न में ही, ऑस्ट्रेलिया में। सो मुझे पता नहीं, लोगों को पता नहीं पता है या नहीं, बट मैं इंडिया से हूँ, माई बैकग्राउंड इज इंडिया। सो
बट मुझे हमेशा एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना। क्यों, ऐसा क्यों? आपने वीर ज़ारा देखी थी? शायद शायद वीर ज़ारा हुआ, आई डोंट नो, बट पता नहीं, मुझे मैं चाहता था कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से। कोई एक चीज़ तो होगी ना जो आपको अपील करती थी, कोई पाकिस्तानी लड़की में ऐसा क्या आपको? लहजा, जो लहजा है। हाँ जी जी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी उर्दू में हिंदी मिक्स हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है सनिया तुमने क्लासेस देखे हैं। सो हार्ड ठीक से बोला जाए जी, मैंने क्लासेस भी बिल्कुल दी हैं हिदायत को। मेरी उर्दू की, मेरी उर्दू खत्म हो जाती है, उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आप पाकिस्तानी लड़की से शादी करें। जी। अच्छा, अब आप ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने मेलबर्न। हाँ जी जी, उधर आप मालूम है ना, स्टूडेंट डेज में हम लोग एक साथ साथ में रहते हैं, कई लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बहुत खास एक दोस्त था काशिफ, जो मेरे साथ ही रहता था, तो वो भी लाहौर से ही है। अच्छा। तो हमारी काफी अच्छी अरसे से दोस्ती थी। अच्छा। एंड फिर फाइनली वो लाहौर वापस चला गया, एंड 7 साल बाद वापस आया मेलबर्न। अच्छा। हाँ। और शादी करके बच्चों के साथ सब कुछ आया। तो उनकी वाइफ थी, एंड बस उनके देवर लाइक वाइफ भी लाहौर से थी। हाँ जी जी, सो देवर लाइक माय एक्सटेंडेड फैमिली इन मेलबर्न। अच्छा। तो बस मैं उनको हमेशा बोलता था, यार मेरे लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी पाकिस्तानी लड़की। अच्छा, आपके वालिदैन को भी कोई एतराज नहीं था? आपके जो पेरेंट्स हैं, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, और दीदा उनका भी ऐसा है कि उन्हें भी पाकिस्तानी लड़की, पता नहीं क्यों वहाँ कल्चर से बहुत इम्प्रेस हैं, और लहजे से और ड्रेसेस से, तो उनको था कि कोई पाकिस्तानी लड़की से ही अगर शादी हो जाए हमारे बेटे की। हिदायत के कोई और भाई है नहीं? अच्छा जी, एक ही बेटे हैं, तो उनको So, अच्छा, फिर क्या हुआ आगे, बात कैसे बढ़ी? फिर बस मैं काशिफ से कह रहा था, एंड काशिफ वाइफ खदीजा, शी वाज काइंड इनफ, शी न्यू हर सिस्टर्स। हाउ कम, कैसे सनिया तुम्हें कैसे जानती थी वो? फ्रेंड्स। अच्छा, बाजू जो खदीजा हैं, जो काशिफ की सिस्टर, मेरी बहन के, मेरी बड़ी बहन के फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन के फ्रेंड्स हैं। जी। अच्छा, सो इस तरह ये। हो, आपको पहली दफा सनिया को दिखाया कैसे? मैं सानिया ही बोलूं, सब तुम्हें सानिया शमशाद के नाम से जानते थे। सानिया बोलिए। अच्छा, वो सानिया शमशाद जिसका असल नाम सानिया शमशाद। जी। मैं पहली बार देखा लाइक ऑफ कोर्स फोटोज पे। हाँ। एंड जब उस वक्त ये टीवी में आती थी, उनको नहीं पता था कि मैं एक्टर हूं, उनको नहीं पता था। और जब मैं सानिया से बात किया, एंड शी डिडंट टेल मी, वो मुझे बताई नहीं कि शी इज a part like you know in media, a popular actress hai wo. I had no idea about. Acha. And shayad isliye main aur comfortable tha, and mujhe laga she's very humble and she's very nice and sweet. So maine so ye arrange wala cheez ho rahi thi sandeep. Bilkul totally. Oh ji, pretty much. Isliye aise kehte hain rishte aaspanon pe bante hain. Humne dekha, parents se baat hui, kisi ko koi itraz na. I really liked him. और मेरे फादर ने मुझसे बात की, कंसर्न्स पूछे, मुझे कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं, और फिर हमने बस जल्दी शादी कर ली, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा नहीं कि ड्रैग करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ पता है, एक्चुअली मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा एक बताती, जो बहुत अच्छे घरों की लड़कियाँ, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो टीवी पे आती ना, तो वो तो नज़र आ रहा होता है कि बहुत अच्छे ड्रामे करती थी। मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। सो फटाफट रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शो पे कोई लड़की आई है जो बहुत अच्छे कैरेक्टर प्ले करी ड्रामों में, और वो नज़र आ रहा है कि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से, सो मुझे रिश्ते आते हैं। सुनिए, उनका नंबर दे दें, सुनिए वो अमेरिका आ जाएंगी शादी होके। लाइक यमुना जैदी आई थी, तो उसके रिश्ते आना शुरू हो गए थे मेरे पास, मैंने एक आध को नंबर भी दे दिया था उससे पूछ। यहाँ तुम कैसे बच गई? आपको पता है ये जो यहाँ पे माँ बाप भी चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं शादी कर लें फिर करते हैं। तो जब हिदायत का प्रपोजल आया था, मुझे कोई प्रॉब्लम लगा नहीं, और जब इन्हें पता चला कि मैं मीडिया से हूँ, एक्टिंग करती हूँ, इनकी फैमिली ने इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। और उन्होंने बोला मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ शादी के बाद। वो तो मैं कर नहीं सकी क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकी थी, लेकिन वो सब चीज़ें अच्छी थी, कोई रोक टोक नहीं था, और मुझे हिदायत की थिंकिंग हर तरह मुझे लगा नहीं कि हिदायत बाहर। आप ऑस्ट्रेलिया में ही पले बढ़े या इंडिया में पढ़े पले बढ़े? पला बड़ा इंडिया में। अच्छा। पर मैं ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करने गया था। हाँ, हाँ। उसके बाद मैं उधर ही सेटल हूँ। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा। हम इनकी तस्वीरें शेयर करना चाहते हैं, शादी की तस्वीरें, है ना, मेहंदी, बारात, ये सारी चीज़ें। जरा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते पूरे प्रोग्राम में, ये दोनों, और ये छोटे से हैं जो अपने पैरों से अजलान
लगे हुए हैं माशाल्लाह, इस सुबह उठ जाते हैं। हाँ, ये हमारा अलार्म क्लॉक है, इसके लिए रात हो है ना। गुड गुड, सही टाइम है। तो आइए जी शुरू करते हैं, आपको हिदायत एंड सनिया की शादी की वीडियोस दिखाते हैं। पहले मेहंदी से शुरू करते हैं जी। म्यूजिक तो डालो। आई नो, मैं हिदायत को यही कह रही थी, मैं इनको बता रही थी कि आपकी वाइफ माशाल्लाह बड़ी गजब की एक्ट्रेस रही हैं जब वो एक्टिंग करती थी, और बड़ी छोटी सी एज में बड़ी मच्योर एक्टिंग करती थी। मौका भी बहुत मिला है इनको एक्टिंग करने का, काम भी बहुत किया। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं एंड देन इनकी शादी की चीज़ें मैं दिखाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सानिया, मैं, हम शोबिज वाले तो बेयर करते, सानिया से शादी के बाद कुछ हिदायत ने भी बर्दाश्त किया है, वो क्या है आइए बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज एक बहुत डिफरेंट शो है क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है, आपकी फेवरेट सनिया शमशाद कितने साल बाद आई हो तुम वापस? ढाई साल के बाद हिदायत सईद, पूरा नाम लो, हिदायत सईद पूरा स्टाइलिश बना दे बाहर पढ़ने का ये फायदा है। तो हिदायत के साथ यहाँ आई हैं, और ये भी कम एक्टर नहीं है भाई, फुल ये अपने कमालात इंडिया में दिखा चुके हैं। आप होस्टिंग कर चुके हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में मैं होस्ट करता हूँ बॉलीवुड शोज। अच्छा, क्या करते हैं? बॉलीवुड शोज। बॉलीवुड शोज आप ऑस्ट्रेलिया में होस्ट करते हैं जी। ओए होए, और तुम क्या करती हो वहाँ ऑस्ट्रेलिया? मैं जाकर इंजॉय करती हूँ, साथ जाती हूँ। और मुझे कुछ, मैंने वो पता है, बैक टू बैक जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं काम कर रही थी, और जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपना फुल मी टाइम लिया और मैंने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा जी। तो हिदायत और सानिया की शादी की पिक्चर्स जो पहले ढाई साल पहले वायरल हुई थी, वो एक दफ़ा हमने फिर रिकैप किया और आपको दिखाई। सो ये अब पूरी कहानी मुझे सुननी है ना, कि अब ढाई साल पहले बताए बगैर हमें चली गई। सो मुझे सुनना है कि कहाँ से तुमने शादी का जोड़ा बनवाया, कहाँ से ज्वेलरी, किसने मेकअप, वो सारे सवालों के जवाब। मेरे सारे ड्रेसेस समसारा से थे, और ज्वेलरी कौन? समसारा लाहौर की डिजाइनर है। अच्छा, और ज्वेलरी समरीन की थी, और मेकअप मेरा हिफ्सा ने किया था, मायों से लेकर वलीमा, बारात, मेहंदी सब उन्होंने किया था। सबसे अच्छी किस दिन लग रही थी हिदायत, ये याद है आपको? जिस दिन निकाह था। हाँ, जिस दिन निकाह था। क्या तुमने किस तरह का ड्रेस पहना था? लाल जोड़ा, लाल जोड़ा था, लाइक रुखसती वाले दिन की बात। उस दिन आपको सबसे अच्छी लगी? बहुत प्यारी। हाँ, बहुत प्यारी। ये तारीफ करने में कंजूस तो नहीं थे? बिल्कुल भी इंडिया वाले कंजूस तो नहीं होने बिल्कुल भी नहीं। हाँ, करते हैं हिदायत तारीफ। हाँ, तुम्हें क्या डिफरेंस लगा कल्चर में, लाइक जब तुम शादी होके गई वहाँ इनके साथ रहने, तो तुम्हें कितना डिफरेंस लगा? बहुत ज़्यादा, और मैंने सिर्फ एक कल्चर एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने बहुत सारे कल्चर्स एक साथ एक्सपीरियंस किए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर कल्चर हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट है। हाँ। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह से हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। और बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते, बिल्कुल जजमेंटल नहीं है, तो वो मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया और मैंने उनको एक्सेप्ट किया। मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ दूसरे मुल्कों के, जो पॉलिटिशियंस हमारे दिल में जहर घोलते हैं कभी कभार, तो मैं जब मिलती हूँ इतनी मोहब्बत मिलती है, अलग अलग ममालिक के जो लोग हैं उनसे इतनी मोहब्बत मिलती है, हम कहते हैं यार ऐसा लगता ऐसा ही नहीं कि लाइक हम लोगों के बीच में कोई दुश्मनियाँ है या कुछ, इतनी मोहब्बत हर तरफ से मिलती है। तो इंसानियत सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मुझे याद है, लाइक जब मैं पहली बार पाकिस्तान आया था, जब मैं पहली बार आया था पाकिस्तान एंड लाहौर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर पर गया मैं वीज़ा, मैंने नहीं है, फ़ोन निकाला, फ़ोन में दिखाया। हाँ। वो बोल रहे हैं कि नहीं प्रिंट चाहिए, मैंने नहीं प्रिंट तो है नहीं मेरे पास। हाँ। फ़ोन पे मुझे बोले सामने वाले कमरे में जाके बैठ। हाँ। मैं कमरे में जाके बैठा, वो होता है आप मूवीज़ देखते हैं आपको लगता है कि यार मैं इंडियन बैकग्राउंड, हाँ मैं इंडिया से हूँ एंड लाइक यू नो अलग अलग ख्याल चलते हैं, इज वॉट यू सीन ऑन मूवीज एंड एवरीथिंग। मैं रूम में जाके बैठा, मैं पहली चीज़ देखा कैमरा तो है नहीं इस रूम में, छोटा सा कमरा, लाइक इमिग्रेशन काउंटर के सामने ही है लाहौर में, लाहौर एयरपोर्ट में कैमरास तो है नहीं, लाइक दिन में अलग अलग ख्याल चल रहा है। पहली दफा आए थे जब? पहली बार शादी करने के लिए जब आया था। ओहो, फिर मैंने बोला यार कुछ अल्लाह करे सब ठीक हो जाए।
the immigration officer came and वो पूछे आपका visa. मैंने बोला sir यही है visa number ये सब कुछ and वो फिर visa number लेके he went out. अच्छा. He closed the door. Okay. वो door बंद करके गए बाहर. हाँ. फिर बोला आप मेरी कुछ होने वाला है. बेटा कोई मेरी पिटाई वटाई ना कर देंगे. वो होता है कभी. मैंने फिल्में देखी हुई है. जी बिल्कुल. वो कभी डर होता है बिकॉज़ इतनी फिल्में देखते हैं आप कि हाँ इंडियन आया पाकिस्तान में फंस गया कुछ भी हो सकता है. फिर वीजा रहा. एग्जैक्टली. सो बट ही वाज सो स्वीट. ही वाज सो नाइस सो जेन्युइन. ही केम बैक वीजा लाया लाइक यू नो ही प्रिंटेड. He went out of his way. हाँ. So sweet. Then he gave me the. आपके ऊपर अच्छा impression पड़ गया फिर. He gave me. हाँ वो मुझे. सनिया. हमारा impression पहला अच्छा पड़ा है. इज्जत रह गई. So. अच्छा अब चलिए ये पहला impression तो अच्छा आप ले गए. उसके बाद क्या हुआ जब आपकी तस्वीरें videos viral हुई. जो trolling आपने सही. हाँ जी. So वो मुझे बताइए कि उससे ज़िंदगी कैसी बदलाव आई. क्या feelings आई. Trolling. और क्या trolling थी. I think trolling was a surprise because I think Pakistani awam confused ho gayi ki like zahir baat hai aap Sania ko hamesha ek like you know aap actors ke saath dekhte hain and like mashallah wo bhi bahut handsome hote hain everything and known faces hain and more than a known faces I think it's a tag actor hai koi and Sania is always on screen with that on glamour aur ye wo sari so I think Pakistani awam ko like shayad wo ये होता है कि ओके शी विल एंड अप विद समवन लाइक दैट. अच्छा. पर अचानक से कोई दूसरा रिप्लेसमेंट आया अननोन फेस अननोन पर्सन. हां. नो वन नोस वेयर आई एम फ्रॉम एंड एवरीथिंग. आई थिंक दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ सेटबैक. इट टुक देम बैक. तो क्या क्या ट्रोल किया जैसे उन्होंने. तुम्हें मुबारकबाद नहीं थी शादी की. नहीं. आई थिंक दे स्टार्टेड ट्रोलिंग मी ऑन माय कलर. हाँ. पैसा देखा होगा. पैसा देखा क्या मजबूरी थी बहन. अरे मजबूरी क्या होगी. I like him so much. He is so handsome. और I don't know like और एक और बात. ओके. इनकी प्रोफाइल में पहले इंडिया का भी और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग था. तो सबने बोला हिंदू से शादी कर ली. मजहब का नहीं सोचा और पता नहीं क्या क्या. हालांकि मेरा नाम प्रॉपर हिदायत सैयद था. सैयद लिखा हुआ है. और मुझे इन मैसेजेस आ रहे हैं भाई आप हिंदू हैं. वाला भाई तो कौन सा मुसलमान है जो मुझे पूछ रहा है हिदायत का नाम हिंदू है. तो मैं कहता था यार बड़ा मुसलमान है तू. So I was like, ठीक है चलें. देखो जरा. I got trolled heavily and then I was. तो कोई problem तो नहीं है सनिया शुरू में कि यार ये मुझे क्या सुना रहे हैं. मैं नहीं. हिदायत ने बिल्कुल कोई react नहीं किया. मैं upset बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आपको पता है हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं. हमें पता है अच्छा ये तो होता है. लेकिन क्योंकि हिदायत बिल्कुल एक तो पाकिस्तान से नहीं है और हमारा हम उससे मिलते नहीं थे या बात नहीं हुई थी. तो मुझे था नहीं मुझे इनको प्रोटेक्ट करना और मैं कैसे करूं क्योंकि वो तो रुकते नहीं आपको पता है. तो बस मुझे हिदायत के लिए बहुत बुरा लगा था कि और मैं और हम दोनों खुश हैं. लेकिन हिदायत की वजह से मैं उस चीज़ से जल्दी बाहर निकल आई थी एक दो दिन में क्योंकि उन्होंने बोला कोई बात नहीं आम ओके विद दिस. तो फिर हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि हमें ध्यान ही नहीं गया. मैं सिर्फ ये बोलती हूँ जैसे आप जब लोगों से मिलते हैं और आप कोई आपके मुँह पे ऐसे बोल रहा हो कि ये तो है ये है और फलाना क्या कर लिया तुमने ये वो तो कितना आप हर्ट होते हैं. हर्ट होते हैं. मतलब आप लिख कैसे देते हैं. अच्छा और जब कोई लिखने वाला होता है आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे ना पता नहीं कौन सी प्रिंसेस. जी जी जी. पता नहीं क्या क्या नाम होता है ना. पापा प्रिंसेस विश मी ऑन दिस डे ओ बी माइन और बी अवेयर इस टाइप के प्रोफाइल्स के नाम होते हैं. और वहाँ वो बैठ के पता नहीं दिल के पपोले फोड़ रहे होते हैं. आपको समझ आई दिल के पपोले. उनको आ गई. एक्शन से समझ गए वो पपोले. फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला अच्छा लड़का. हमारे हाथ क्यों नहीं पीले हुए. मुझे मैं आपको बताऊं निदा मुझे मेरे पेरेंट्स से ज्यादा हिदायत ने स्पॉइल किया है. और मुझे नजर आ रहा है हर तरह का. मुझे था नहीं आई डोंट वांट टू गो बैक. आई एम हैप्पी देयर. इट इज लाइक नहीं यू शुड कंटिन्यू. ओह ग्रेट. सो ये सरप्राइज सेकंड सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि सनिया शमशाद से आपकी मुलाकात हो रही है ढाई साल बाद. बट ये खुशखबरी है कि हिदायत उन्हें हेल्प आउट कर रहे हैं दोबारा उनकी फेवरेट प्रोफेशन जो एक एक्ट्रेस अंदर छुपी हुई है उसको मरने नहीं दे रहे हैं. खुद हेल्प कर रहे हैं कि तुम आओ और काम. और तुम कोई प्रोजेक्ट करने आई हो. जी जी. मैंने अभी कल मेरा शूट था जो कि किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया. मंडे से मेरा सीरियल स्टार्ट हो रहा है. इट्स फॉर जियो. ओह इट्स फॉर जियो. सो हम सनिया को दोबारा एक्टिंग करते हुए देखेंगे एंड फुल सपोर्ट हिदायत हिंदुस्तानी की.
हिंदू की तरह बोले गया पैसे वाला वो वाली सारी जो आपने ट्रोल किए थे. सो लाइफ पार्टनर बेसिकली जो होते हैं ये इसी तरह प्रूफ करती है चीज़ कि आप पार्टनर्स हैं. जी जी. तो आपका पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है, छोटा बेबी है उसके साथ, क्योंकि लाइफ एक दफ़ा मिलती है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और निदा मुझे लगता है मैं एक्टिंग तो कर ही रही थी लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ में हिदायत ने मुझे बहुत हेल्प किया. और मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी शादी हो गई और मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ. मुझे हमेशा ये फील आती है ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड और हम हर तरह की बात करते हैं. मैं अम्मी अबू की बुराई भी कर लेती हूँ इनसे ही करती हूँ. हिदायत देखिए अम्मी ने ये कहा है, देखिए अबू अभी अम्मी अबू देख रहे हैं आई नो इस पर भी होगा. तो हिदायत देखिए अम्मी ने फिर से कह दिया. अच्छा मैं एक और देखकर मैं सरप्राइज हुई हूँ कि माशाल्लाह अभी 5 मंथ का आपका बेटा है अजलान एंड सनिया इज बैक इन टू शेप. ये इसकी इसका क्या राज है, ये क्या खिलाया पिलाया? ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम कराते हैं, पूरे घर के झाड़ू पोछे. उस चीज पे आई शुड से जिस तरीके से ये एडजस्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया में लाइक आपको तो पता है उधर नौकर शाकर तो लाइक होते नहीं है. इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. यस इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. एंड ऑफ कोर्स इधर आई थिंक वो ग्लास में तो उसके पानी भी नहीं पीते. एग्जैक्टली. हां पानी लाओ. हां जी ये ले जाए. हां जी. सो उस तरीके से एंड द वे शी केम देयर एंड जितना एडजस्ट हो गई हर चीज में यार, जो बनाती है खाना है, जो क्या रोटी वोटी जलाई इसने जाते ही, कोई ऐसा हुआ खाना पकाया, कोई चीज blunders किए कोई? नहीं, actually she takes a lot of time to learn something. अच्छा. And like you know, शायद वो YouTube has helped her a lot. Oh yes. A lot. मैंने किया start में अम्मी को फोन के मसाला कौन सा, she didn't pick up because she was sleeping. यहाँ से लेके नहीं गए तुम डब्बे? मसाले के डब्बे नहीं लेके गए? खिलाई नहीं तुमने पाकिस्तानी बिरयानी? मैंने जब निदा कुकिंग शुरू की थी मुझे इतना मजा आया था और मैं दिन में 4-4 dishes बना लेती थी. He is not foodie at all. और हिदायत खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है. मुझे था ये भी खाएं वो भी खाएं वो भी खाएं, लेकिन वो खाते नहीं थे तो मैं लेकिन बनाती थी. और इसी तरह से मुझे कुकिंग आ गई और घर का भी सब मैं खुद करती थी. आई टुक केयर ऑफ अजलान बिकॉज़ आई वाज अलोन देयर. कोई आ भी नहीं सका था, कुछ हो नहीं सका. जब अजलान पैदा हो तो सब कुछ तुमने खुद किया? यस. वी हैड अप्लाइड फॉर माय पेरेंट्स वीजा. So, Ami and Abu were supposed to come from India. Okay. And because of COVID and Australia borders were closed, no one could come in. Yes. And so, we had to handle everything on our own. So, लेकिन एक फायदा होगा ना, क्योंकि बहुत from home आपको करना हो रहा होगा तो आपकी help इसको थोड़ी बहुत मिल गई. जी हाँ. So, वो bonding बहुत strong हो जाती है जब बच्चे को. मुझे आपने भी नहलाया अजलान को? Oh yes yes. He did everything because मेरी जो delivery में काफी problems हो गई थी तो 5 days अजलान मेरे पास नहीं थे तो हिदायत did everything. कैसे? First time मैंने सिर्फ अजलान को 5-10 seconds के लिए hold कर पाई थी. Then they took him away because I almost lost my life. कितना मुश्किल है. मम्मी भी नहीं साथ, कुछ कोई भी नहीं. क्या हुआ था तुम्हें? मतलब क्या हुआ था? I can explain better because she was she lost a lot of blood. She lost more than 2 liters of blood. Yeah. Oh. Yeah. Cesarean हुआ था? No, it was normal. It was normal or excess blood lose कर गई थी. Yeah. Internal walls and tissues got ruptured. It was complicated and she almost lost her life. Oh my. And she didn't even hold, like literally after Aslan was born. Australia mein like you can stand in the room as well. So she literally held Aslan for 5 seconds and she was rushed to the OT and she didn't see Aslan for I think 4-5 din was Aslan's baby. Aapke upar kya guzri? Like ye itne severe condition mein chhota sa bachcha haath mein kya kya kiya aapne, kaise us cheez se fight kiya? It was a lot of emotions. Even if I think now I'll tear up, but it was so much happening. मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ. मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ऊपर भाग रहा हूँ, मैं इसकी जिंदगी देख रहा हूँ. अजलान वो बेचारा लाइक यू नो ऑफ कोर्स नर्सेस हैं, हैंडल हो रहा है, बट स्टिल यू फील अ वेरी बिग इमोशनल थिंग. सो या इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. आई विश नो वन गोस थ्रू दैट. ओह माय गॉड. डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ बहुत. लेकिन मुझे लगा कि अल्लाह आपको ऐसी चीज़ों से गुजारता है सिर्फ ये बताने के लिए कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है और आप अकेले कर सकते हैं. मुझे लगता है उस सब के बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ. मतलब मुझे लगता है कि डू एनी थिंग. वो कभी थोड़ा सा जो किसी चीज़ का डर होता है वो भी निकल गया. मुझे
मुझे लगता है कि मैं जिंदगी को किसी और तरह से देखती हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. छोटे छोटे से जब दो लोग इतनी प्यारी मैच्योर बातें करते हैं तो दिल को इतनी खुशी होती है. ये जो छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं ना दुनिया में, जिंदगी में, ये आपको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं. अब ये छोटी सी सनिया शमशाह नहीं रही, 5 महीने के अजलान की अम्मा है जो बहुत सारे हर्डल से निकल कर यहाँ तक पहुँची है. दोबारा आपकी स्क्रीन पर नुमाया होंगी, काम करने आई, और अब इस वक्त पहले पेरेंट्स की सपोर्ट थी और अब इस वक्त हस्बैंड एंड ससुराल वालों की सपोर्ट है. सो बेस्ट ऑफ लक. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अजलान के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं. सोया तो नहीं अभी? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप लोगों का सरप्राइज, सनिया शमशाद इज बैक. जी सिर्फ मेरे शो पे नहीं बल्कि ऑन स्क्रीन आपको कुछ ही दिनों में नजर आएगी ड्रामों में, और इस दफा है हिदायत की सपोर्ट के साथ. वाओ, सब जब हस्बैंड सपोर्टिंग होता है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. सनिया आप अपना शौक जो एक्टिंग का वो पूरा कर रही हैं साथ, और एक छोटी सी बेबी अजलान भी हैं फुल सपोर्ट में. से अब्बा की नहीं बेटे की भी सपोर्ट है. बिल्कुल. और वो सपोर्ट ही होगी कि ये तंग नहीं कर रहा, ये जब तुम्हारा सीन हो खास तौर पे तब नहीं रोएगा, तब ये नहीं कहेगा कि पॉटी आई है मम्मा. अभी तो परमिशन की भी जरूरत नहीं, जस्ट डू इट. हाँ, अभी तो कोई टेंशन नहीं है. अब हम आपके साथ बड़ी मस्ती करने वाले. मस्तियों का टाइम शुरू हो गया. अभी वार्म अप था, अभी हमने दामाद जी को बड़ी इज्जत दी. आइए दामाद जी एंड सनिया, आज तुम दोनों अपने अजलान की एक एक तरफ खड़े हो, और मैं तुम लोगों से रैंडम क्वेश्चंस करती हूँ. और तुम लोगों ने करना क्या है कि जिस पे अजलान जिस कॉट पे, क्या कहेंगे, सिकारी कॉट पे है, ये आप घूम सकता है. आप अपनी तरफ करना चाहें, ये आपकी तरफ हो सकता है, आप अपनी तरफ करना चाहें. सेफ एंड सिक्योर बच्चा. ओके, हेलो. ओके, अब जो सवाल मैं करूंगी, जो उसका जवाब होगा वो उस पेरेंट ने अपनी तरफ बच्चे को कर ले. पहला सवाल, अजलान अगर रोए तो दोनों में से पैनिक ज्यादा कौन हो जाता है? अम्मा, तुम्हारा क्या रद्देमल होता है? दाए क्या करते हैं आप? मैं चिल हूं. आप चिल है, मतलब रोता है. अच्छा, अगर ये रोता है तो ज्यादा सनिया संभाल रही होती है या आप भी थोड़ी कभी हेल्प कर देते हैं? नहीं, सनिया स्टार्ट करती है. जब एक्सट्रीम रोता है तो मेरे पास आता है. और जो एक्सट्रीम रोता है तो क्या करते हैं? तो हिदायत हैंडल कर लेते हैं. कैसे कैसे हैंडल करते हैं? पता नहीं, वो देसी नुस्खे, कुछ कुछ आवाज करते रहता हूँ, शू करते रहता हूँ, गाना गाते रहते, गाने गाता हूँ. जब गाने खत्म होते सूर्य स्टार्ट हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं जवानी में बच्चे हो जाने चाहिए ताकि अम्मा अब्बा की हड्डियों में दम तो हो. निदा, जब मैं गाती हूँ अजलान को चुप कराने के लिए तो हिदायत कहते हैं प्लीज चुप कर, जब वो और रो रहा है तो वो ले लेते हैं मुझसे. ओके, अगला सवाल, अजलान की, अजलान आपकी बात हो रही है, आप हीरो हैं अभी इस वक्त इस सेगमेंट के, और आपकी स्माइल मैं सबके जावा, आई लव यू. मैं तो सब छोड़ो भाई, मैं नहीं करी सवाल, मैं तो अजलान से बात कर रही हूँ क्योंकि ये इतने सारे मुझे अच्छे से रिएक्शन दे रहे. ओके, अजलान की फ्यूचर प्लानिंग में जो है कौन ज्यादा अभी से एक्टिव है? ओए ओए, क्या सोचा हुआ है, क्या सोचा हुआ अजलान के बारे में, क्या बना रहे? जो क्या? चाहे वो करे. स्कूल कहाँ जाना है, गर्लफ्रेंड्स कितनी होंगी? अब ये भी सोच लिया. जी, वो कह रही है बिल्कुल देसी मॉम ना बनना, ठीक है, वो जो करता है उसको करने देना. और मैं कहती हूँ ओके 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 अजलान, और इसके यार क्लोज बना लो कि उसकी जो स्माइल है ना, माय गॉड, जैसे वीर ज़ारा लगता है तुम लोगों ने बहुत देखी, शाहरुख खान की तरह हंस रहा है. अजलान के डिंपल भी हैं. तुम लोगों को लगता है ऐसा कि बड़े होने के बाद जो ज्यादा पेरेंट बिगाड़ेगा वो सनिया होगी कि हिदायत होगी? हिदायत. हाँ जी. वो तो गर्लफ्रेंड्स वाली बात से तो मैं समझ गई. और क्या क्या बिगाड़ेगा सनिया? मुझे लगता है हर तरह मैं वो ये नहीं हो ऐसे. हाँ. हो ऐसे उसको बात करनी होगी. हाँ, तमीज सिखाने में सनिया है और बिगाड़ने में अब्बा का हाथ है. जी जी, हिदायत ऐसे है कि नहीं उसको किसी चीज से रोकना ही नहीं है. और यही बात हिदायत अपनी बहन के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके भी 3 बेटे हैं. अच्छा अच्छा, माशा. तो उनको ये कहते हैं कि आप लोग ना बच्चे को नहीं रखो, उसको आजादी दो, वो जल्दी सीखता है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. तो मुझे लगता है अजलान के साथ साथ मुझे भी यही लेसन मिलता है कि उसको रोकना नहीं है, वो जो करता है उसको करेंगे तो सीखेंगे, ठोकर लगेगी तो ज्यादा समझ आएगी जिंदगी. तो हिदायत बिगाड़ेंगे अजलान को. आहा,
एक्स्ट्रा पजेसिव कौन है कि भाई ठंडी हवा चल रही है, हर एक की गोद में नहीं तो जर्म्स लग जाएंगे, फलाना ढमाका, अम्मा मैं सैनिटाइजर लेके घूमती हूँ, प्लीज लगा लीजिए, प्लीज लगा लीजिए। मैं उसको दो दिन पहले बोला यार कोई औरत पता नहीं अफ्रीका में मर गई सैनिटाइजर की वजह से। क्योंकि निदा मैं अभी दो महीने भी नहीं होंगे लगाया, फिर से थोड़ा सा चली हूँ, फिर लगा लिया। पता नहीं इसके अंदर हलाल तरीके से तो नहीं, नॉन हलाल तरीके से तो अल्कोहल गया है उसकी बॉडी में सैनिटाइजर। माय गॉड, ओके। अच्छा, चीजों को लेके ना, अजलान की चीजों को खास तौर पे, कौन बहुत चूजी है, इसको इस तरह खिलाना, नहीं नहीं प्रिजर्वेटिव डाला, नहीं फलाना, नहीं कपड़े अच्छे पहनाने इस तरह। अम्मा नहीं नहीं रिपीट नहीं करूंगी ये कपड़े। मैं ऐसे करती हूँ, और मैं अजलान के लिए जब जाती हूँ, अब मुझे घंटों लग जाते हैं कि सॉक्स नहीं है ऐसे, बिनी ऐसी होनी चाहिए, इनर ऐसा होना चाहिए, बॉडी सूट ऐसा होना चाहिए। कभी शॉपिंग करते हैं आप अजलान? जी जी बिल्कुल जाते हैं, बस साइड में खड़े रहते हैं। मैं जाता हूँ एक दो तीन, ठीक है बस, ठीक है चलो। अजलान की फर्स्ट शॉपिंग थी वो हिदायत ने की थी। अच्छा, उसके बाद मैंने सही की थी, बहुत अच्छी चॉइस है। जी, जी, तो मैं भी शॉपिंग में कुछ जरा अपनी पसंद से कुछ लेकर आती हूँ। मेरी शॉपिंग हिदायत ही करते हैं। हाँ, हर चीज। और अभी ब्रेक में मुझे बताई थी कि पुराने कपड़े चुपचाप काट के फेंक देते हैं, काट के फेंक देते हैं, पूछते भी नहीं, और मुझे कहीं ना कहीं फटे हुए। मेरी टीम पूछ रही है क्यों फेंक देते हैं, तो उसका जवाब मैं दूंगी, उनको अपनी फटी पुरानी कपड़ों में बीवी नहीं चाहिए, उनको ग्लैमरस बीवी चाहिए। आप कैसे रह सकते हैं घर में? अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएं शायद कि आपको सनिया किस तरह के कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, यानी वेस्टर्न अटायर में या वो शलवार कमीज जो पाकिस्तानी? शलवार कमीज, हाँ, पाकिस्तानी शलवार कमीज, खास पंजाबी स्टाइल वाली जी। हाँ? जो वो होते हैं ना, वो रिकॉल कर, छोटी कमीज और पटियाला शलवार। हाँ, जी देखा, दैट्स इट, ये शी नोज इट। ओह पर वहाँ ऑप्शंस इतने कम होते हैं। हाँ, तो मुझे इसलिए भी तुम अब ये सारे शौक पूरे करना, दर्जी से सब सिलवा के लेके जाना, ये करूंगी। इतनी सर्दी में वेलवेट की पहनना, इतनी सर्दी में शलवार कमीज। ओके अच्छा, अजलान की नेचर अभी 5 महीने में इतना पता नहीं चलता, लेकिन सोने का तरीका, उठने का, हंसमुख खाने का तरीका, क्या लगता है दोनों अम्मा अब्बा में से किस पे गए? हिदायत वहीं पे। हाँ, आप पे गए अब्बा की तरह? अजलान सोता नहीं, he doesn't sleep at all, और आपने देखा है ना, he's very friendly, जब कोई बात करता है उसको बात करना अच्छा लगता है। मैं इसको फोन नहीं देती, आईपैड पे बहुत कम कुछ लगा दिया कभी, क्योंकि जब मैं अकेली थी तो मैं इतनी बात नहीं कर पाती थी, because I had to do other things as well. तो वो उसको बात करना अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है इसका पॉटी टाइम हो रहा है। हेलो अजलान, उसका अटेंशन टाइम हो रहा है, उसको अटेंशन चाहिए। ओके, आपके ऊपर सारे कैमरास आ गए। ओके ओके, कोई नहीं उठा लेते। ओके, यू आंसर, कोई बात, कोई बात। हेलो, इट्स ओके बट ओके ओके, वी गोना टेक यू। ओके ओके, और मैं किसी को नहीं पूछ रही। तो अब अजलान आपसे सवाल। अच्छा, अजलान को किसकी जबान ज्यादा समझ आती है, अपने अब्बा की के अम्मा की? दोनों की समझता है बात। गुस्से वाली मेरी। ओह हाँ। अच्छा कि चुप करो, बस हाँ। करो, रोना बहुत हो गया। नहीं, जब ये बहुत हो जाता है लाइक हाँ। मेरी थोड़ी ऊंची आवाज जाती है। अच्छा, सुन, ही पिक्स अप दैट। अच्छा, ओह हाँ, जब माँ डांटती है ही लाफ्स। हाँ, वो स्माइल करता है। अच्छा, बीमार खुदा ना खास्ता जब ये होते तो ज्यादा इंटेलिजेंटली कौन इसे हैंडल करता है? हिदायत। हाँ, हिदायत। ये तो पैनिक हो जाता है, मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ। हाँ, ये तो हो गया, ऐसे हो गया, बट हिदायत बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से, मुझे भी और अजलान को भी। देखा, जो बाहर पड़े हुए हैं लड़के, उनको लड़कियां देने का ये फायदा होता है। वरना हमारे यहाँ तो अगर कभी मैं कहूँ साड़ी पहनी है यार, या सिर पकड़ लो, नहीं शादियों में गोद में नहीं पकड़ूंगा, शादियों में मुझे नहीं पकड़ाना गोद में। नहीं, हिदायत पकड़ लेते हैं, चेंज करवा हाँ. देते हैं, शावर दिला देते हैं, सब कर देते हैं। ग्रेट यार, मतलब लाइक दिस इज पार्टनरशिप। या पार्टनरशिप है ना, कल को बच्चा खामा खाई में बड़े होके हमारे यहाँ ये कहते हैं बाप का नाम बाप पे गया है। अरे बाप ने कभी इतने तो देखा है, गोद में भी नहीं उठाया होगा। ही डज एवरीथिंग। आई चेंज्ड हिज फर्स्ट नैपी एवर।
पाकिस्तान की हर चीज से प्यार है। अभी आपने पाकिस्तान का क्या क्या देखा है, कहाँ कहाँ गए? कराची फर्स्ट टाइम, जस्ट बीन टू लाहौर, गया हूँ, थोड़ी बहुत जगह है, खाना पीना। खाना पीना, खाने में क्या अच्छा लगा आपको? यार इनके कबाब, कबाब अच्छे, बारबेक्यू खाया, टिक्का विक्का खाया, हलवा पूरी, हलवा पूरी। इंडिया के लोग हलवा पूरी बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान की। आपने वो खाया, बन कबाब वगैरह, पानी पूरी? पानी पूरी, बन कबाब वगैरह नहीं, बट कबाब्स इन जनरल, तीतर, बटेर एंड। और आपने हलीम खाया? पाकिस्तान का हलीम खाया है? नहीं, वो खाया है, क्या कहते हैं, कोरमा, बिरयानी, वो लाहौर की बिरयानी से ज्यादा बता रही हूँ, कराची की बिरयानी अच्छी, सच में, चटपटी। आज आज बिरयानी है यार, मंगाओ नल्ली बिरयानी, क्या है वो मशहूर हमारे जमाने की, आसिया की नल्ली बिरयानी मंगाओ भाई हमारे मेहमान के लिए, फोन करो नल्ली बिरयानी, आज खाएंगे बिरयानी। बिल्कुल आप चखिएगा, वो होता है नलियां भी होती है उसके अंदर, और वो नलियों के साथ बिरयानी होती है, बड़ी डिफरेंट है ये। आपको पता है, मैंने भी शादी के बाद बिरयानी बनाना सीखा, और हिदायत को बहुत पसंद है, हर फ्राइडे कहते हैं बिरयानी बना दो। कोई बॉम्बे बिरयानी के डब्बे लेके गई थी तुम? नहीं, मैंने सीखा वहाँ, सीखा पूरे मसाले अलग अलग? जी जी, यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से। अच्छा, तुमने कुछ इंडियन खाने बनाने सीखे, जैसे हींग वींग डलती है सब्जियों के अंदर और वो सारी चीज? मैदा नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, तो मैं सिर्फ जो मुझे लगता था कि मैं आसानी से बना सकती हूँ, मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन हिदायत बहुत अच्छा खाना बनाते हैं खुद, बहुत अच्छा। तो हिदायत सेशन होता है कभी कि आज इनकी बारी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिदायत कहे बगैर खुद से बना देते हैं कि आज मूड मैं ये बना देता हूँ। तो अच्छा, शादी के बाद से लाइक तुम नहीं इंडिया जा पाई हो अभी तक? नहीं, मुलाकात। आई डिडंट गेट। और ससुराल वालों से मुलाकात कैसे हुई? फिर वो आए ऑस्ट्रेलिया? जी जी जी, नहीं, दुबई। दुबई, अच्छा, दुबई में मुलाकात हिज सिस्टर्स पेरेंट्स का। सो वी वेंट टू लंदन शादी के बाद, इमीडिएटली आफ्टर वलीमा ने, सॉरी, आफ्टर रुखसती ने, we went to Dubai. Okay. Me abu dara gaye the, baji came from London, and my brother in law with kids and everything. So we had a family reunion in Dubai. We met and she came back. अच्छा, फिर आके तुमने दोबारा ड्रामे कंप्लीट कराया? जी जी जी, मेरा आई थिंक शी रिश्ते बिकते हैं या प्रिया नाम कर दिया, प्रिया नाम कर दिया, नाम कर दिया। तो वो क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा काम था वो कंप्लीट करवाया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर हमें ट्रैवल करना था, तो मैं पाकिस्तान आ नहीं सकी, दो दिन के लिए आई थी, उसके बाद तो सब बंद हो गया। और सब तुम्हें बुलाते रह गए, सनिया बता के जाओ किससे शादी हुई है, कहाँ जा रही हो? अभी तक आते हैं, मिले कैसे? आपकी शादी कैसे हुई, ये है कौन? तो मैंने सबको पता चल, सबको पता चल गया, ये सनिया ने पैसा देख के शादी नहीं की, लड़का अच्छा है, मैं गारंटी कर रही हूं, लड़का अच्छा है। हाँ, लड़का अच्छा है, लड़के देख के शादी की। सो आपकी सनिया के घर में सबसे ज्यादा किससे बनती है? सालियों से। गुड क्वेश्चन। कितनी बहनें हैं तुम्हारी सनी? आई हैव थ्री सिस्टर्स। अच्छा, और भाई है? दो भाई हैं। दो भाई, सब तीनों सालियों से बनती है। फुल जूता छुपाई हुई थी शादी पे? जूता छुपाई, वो जो होता है ना, पैसे लेते हैं, जूता छुपाते हैं, पता नहीं जूता छुपाया नहीं, पर पैसे तो गए मेरे, पैसे बिल्कुल गए, और एक्चुअली दो बार गए मेरे। अच्छा, कोई और कर ली होगी, वो उंगली पकड़ाई की होगी, वो मेहंदी लगा के? रस्में तो हुई थी, दूध पिलाई वगैरह हुई थी, और सिर्फ मेरी बहनों से नहीं, हिदायत की मेरी दोस्तों से भी बहुत दोस्तियाँ जी, और हिदायत है कि मेरे पेरेंट्स से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, सबसे ना बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है। ओके। मुझे फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन हिदायत का जिस मेरी साइड से सबसे दोस्तियाँ हैं। तो तुम्हारी ससुराल में सबसे ज्यादा किससे बनती है, और ससुराल में कौन कौन है तुम्हारा? मेरा ससुराल बहुत छोटा सा है, इनके अम्मी अबू हैं और बहन है, एक बहन एक भाई, दो बस, दो बच्चे जी, और बहन भी इंडिया में होती है? शी इज इन लंदन। अच्छा, शी इज इन लंदन, तो उनसे तो बात होती है, और मेरी बहुत, हिदायत का फीमेल वर्जन है, वो बहुत अच्छी है, और जो इनके पेरेंट्स हैं वो, मतलब कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका, कभी कुछ नहीं कहा, और हर बार फ़ोन बंद होने से पहले भी था, अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो सॉरी, वो अपने कुछ नहीं कहा, और अगर आप कह भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बड़े हैं,
तो वो इतने अच्छे हैं, तो आई एम लकी, मुझे लगता है कोई नेकी काम आ गई। ससुराल और फिर शोएब इंडिया से लड़का लाया, शोएब मलिक ये पाकिस्तान से लड़की ले गए। तो वो मेरी तीनों से दोस्ती है, बाजी से, उनके हस्बैंड से, अम्मी अबू से। तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं ससुराल वाला रिश्ता से या हस्बैंड वाला रिश्ता, हम दोस्तों की तरह ही रहे। अब जैसे तुम लोग वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जा रहे जाते होगे, फ्रेंड सर्कल में सोशल हो जी, तो जब तुमने तैयारी करनी होती है तो पूछती हो कि ये पहनूं कि ये पहनूं जी, क्योंकि हिदायत का सर्कल बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इनसे पूछती हूँ, अब तो पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता, कभी कभी कपड़े वपड़े निकाल के रख खुद ही कि ये पहन के चली जाना और मुझसे मत पूछ। कोई भाई नहीं है ये तो गलत हो गया, हमारी लड़कियां अजलान बड़ा कर रहे हैं, अजलान बड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा रुक जाए। ओह माय गॉड, जबरदस्त। अच्छा, तारीफ करते हैं जरा, वो मैं पूछ रहा, जैसे मैंने पहले पूछा था कि इंडिया वाले तारीफ करते हैं, पाकिस्तानी तो खासतौर पर हस्बैंड थोड़े कंजूस हैं तारीफ में। हिदायत का ये, ही डज एवरीथिंग प्रैक्टिकली, कि सब लाद दिया, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डिनर्स जा रहे हैं, सब कुछ। कभी मैं, और फिर सब करने के बाद मैं एक सवाल करती हूँ, हिदायत आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? कहते हैं मैं सब उठाकर फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे, मैं कहती हूँ नहीं आप मुझे बताएं आप मुझे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, सारा कुछ करने के बाद यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे सुनना है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो आई थिंक वो मेरा प्रॉब्लम है कि कितना जितना मर्जी एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स, मुझे फिर भी पूछना होता है। एक्चुअली है थोड़ा, मर्दों को लेस एक्सप्रेसिव बनाया अल्लाह ने, हम ही औरतें हैं जो हम फौरन मियाँ ने कुछ गजरा ला दिया आंखों में आंसू आ जाते एक्सप्रेशन। अच्छा, ये सनिया के नखरे शखरे हैं थोड़े, बहुत हैं, बहुत। किन बातों में नखरे हैं? जैसे किन बातों में नहीं है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, बहुत नखरे। हाँ, जैसे ये सिंपल है, she is simple complicated. अच्छा, हाँ, इसके दिमाग में एक चीज अड़ गई, मुझे ये चाहिए, मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपैड 11 inches. अच्छा, प्रो। अब जाहिर बात है मुझे सुन लेना चाहिए था इसकी बात की, 13 inches वाला ही चाहिए इसको। मैं बोला यार घर में लैपटॉप पड़ा है 13 inches वाला, why do we need a 13 inch iPad? बस 11 लेकर आया। हाँ, और उसके दिमाग में 13 वाला था। हाँ, उसके दिमाग में she is happy with 11 but फिर भी she is not satisfied। उसके दिमाग में वही अटका हुआ, थोड़ा सा इसको perfectionist है। वही चीज उसके दिमाग। घर किसने मिलके सेट किया, यानी कि किसकी चॉइस का? और मैंने बहुत कुछ हिदायत से सीखा है, लेकिन अभी मैं सब कुछ खुद करती हूँ। अच्छा। सब कुछ खुद करती हूँ, एक बार सीख लिया कैसे क्या करना है, या इनका टेस्ट पता चल गया कि इनको क्या पसंद है, फिर वो मिलकर मैंने पूरा घर खुद से सेट किया है। क्या मौसम अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया में? विंटर्स, एनी डे। मेलबर्न में वो कहते हैं ना कि यू कैन सी फोर वेदर्स इन अ डे। यस, मेलबर्न में आप एकदम बारिश हो रही होती है, आप अंदर आओगे आप लाइक यू नो रेनकोट या जैकेट पहन के, सूरज 20 मिनट के बाद सूरज। इट्स हॉट, इट्स मेलबर्न है वैसा, सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मेलबर्न में समर में भी आपको ठंडी लगती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको शिफ्ट होना पड़े पाकिस्तान, तो मैं ब्रेक के बाद आके पूछूंगी क्या फैसला करोगे। कभी इस कश्मकश में फंस गए सो क्या होगा? छोटे से ब्रेक के बाद जानते जी, सनिया शमशाद हमारे साथ आ गई है जी काम करने वापस, सिर्फ काम करने पर चली जाएंगी मियां के पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े सालों बाद, मैं कहूंगी 2.5 साल बाद आपकी मुलाकात हो रही है सनिया शमशाद और उनके हस्बैंड हिदायत से। और यहाँ आज ये तो सेलिब्रिटी थी, ये भी बन गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये खुद सेलिब्रिटी हैं भाई, होस्टिंग करते हैं, अपने शोज करते हैं। और आज बड़ी गपशप हमारी, मजे की हुई। अब जो है ना वो देख रहा है, हमने एक छोरा सा काम किया, दिल बनाया। ये वो नहीं पता चीज होता है शादी की वीडियोस में दिल बना के पुराने जमाने में। हाँ, सबने ये किया हुआ है। कुछ सवाल मैं हिदायत से करूंगी, कुछ सवाल सानिया से करूंगी हिदायत के बारे में। एंड जो सही जवाब देगा, क्योंकि हमने इनसे पहले से, जो मैं सानिया के बारे में सवाल करूंगी वो मैंने इनसे पहले से पूछ लिए, जो हिदायत के बारे में सवाल होंगे वो भी हम इनसे पहले पूछ चुके। जिसके जवाब सही होंगे उसको एक पाजल का टुकड़ा मिलेगा और वो अपने लव वन का पाजल कंप्लीट कर पाएगा दिल के अंदर। ठीक है, सो दिल के अंदर, परफेक्ट। हाँ, ओके, हिदायत आपसे पहला। श्योर। नहीं, सानिया से पहला सवाल जी। ठीक है सानिया, तुम्हें क्या लगता है कि हिदायत को आप आजकल ज्यादा कौन से कलर्स में अच्छी लगती है?
व्हाइट आई थिंक. सही जवाब. पजल का एक टुकड़ा आपकी नजर. ओके, हिदायत अब आपसे सवाल है जी. सनिया आपसे किस किस्म के सरप्राइजेस की उम्मीद करती हैं? गिफ्ट्स. गिफ्ट्स किस किस्म के? हाँ, मतलब ये सही है, मैं मान लेती हूँ गिफ्ट्स, क्योंकि वो शॉपिंग की एक्सपेक्टेशन होती है उसकी जी. और ये सरप्राइज है. सनिया तुम्हें क्या पसंद है, ये शॉपिंग जो कराते हैं उसमें गिफ्ट्स में तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है? कपड़े, शूज, पर्सेस, मेकअप, कुछ भी आए आए, कुछ भी आए. आना चाहिए. मैं ना नहीं करती. बर्थडेज और एनिवर्सरीज जो होती है उसमें ज्यादातर किस किस्म के गिफ्ट्स आते हैं तुम्हारे? मुझे गैजेट्स का बहुत शौक है. अच्छा. तो हिदायत मेक श्योर करते हैं कि जो भी इवेंट आ रहा है उस पे इसको कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, हर दफा आईफोन आ जाता है, वॉच आ जाती है, आईपैड. तो मेकअप वेकअप वाला शौक नहीं है? बहुत कम. वो भी है. हाँ, वो भी है, पर गैजेट्स, गैजेट्स का ज्यादा वो. और हिदायत को किस तरह का शौक है? तुम्हें अगर गिफ्ट देना होता तो तुम क्या सोचती? वॉचेस एंड परफ्यूम्स. ओह, कपड़े शपड़े अपनी चॉइस के भाई, है ना? ओके, अगला सवाल. अच्छा, तुम्हारे हाथ का कौन सा खाना जो है उसकी उसको हिदायत बहुत पसंद करते हैं और फरमाइश करते हैं? नाइक बिरयानी एंड दाल चावल. गलत जवाब. गलत गलत जवाब. यू नो व्हाट आई लाइक द मोस्ट. आप हर हफ्ते क्यों बनवाते हैं? अब चॉइस चेंजिंग बताओ हिदायत को दी. शाही टुकड़ा. शाही टुकड़ा या एंड चिकन कढ़ाई भी तो खाया ना आपने. रिसेंटली वो ऐड हुआ, लेकिन हर हफ्ता मुझे बोलते हैं बिरयानी चाहिए, दाल चावल चाहिए. स्पाइसी बिरयानी खाते हैं या इनकी भी वो गोरों की तरह नाक बहने लगती है? पहले बहुत स्पाइसी खाते थे, अभी माइल्ड. अभी थोड़ा माइल्ड. ओके, चले आपसे सवाल ये मिस कर गई. सानिया, आप सानिया आपकी कौन सी एक आदत बदलना चाहती है, आपको क्या लगता है? मैं काफी लेट होता हूँ. आई टेक माय ओन टाइम. जीत रहे हैं तुम्हारा मियां लड़की. जीत रहा है. बिल्कुल सही जवाब. धोखा दे दिया. ये कैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया में तुम पढ़े हो भाई, तुम तो ये टाइम के पंक्चुअल नहीं हो. हमारी लड़की लाहौर है, हमारी ज्यादा पंक्चुअल है. मैं बहुत पंक्चुअल हूं. ओके सनिया से सवाल है. हाँ, कौन सी तुम्हारी एक बात है सनिया जो हिदायत को बहुत इरिटेट करती है? मैं क्वेश्चंस बहुत करती हूँ और एक चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ जब तक. मैं चाहती हूँ मैं हर तरह से उस चीज़ को समझ लूँ. अच्छा. तो हिदायत को होता है एक बार बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हाँ, मैं पूछती रहती हूँ ऐसा क्या है, क्यों है, क्या वो ऐसा है. और कोई आदत इरिटेट नहीं करती हिदायत? और मेरी नहीं, लेकिन आई थिंक वैसे हिदायत को सफाई बहुत पसंद है. अगर कोई जगह मेरी लोहरन हार रही है, गलत है, बताओ हिदायत उसको क्या करती है ये जो तुम्हें चिढ़चिढ़ती है? Photos? Yes, clicking photos. वो उस start होता है एक photo ले ले, वो फिर होता है कि नहीं इधर से भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये long shot है ये shot. पता नहीं ये direction की वजह से मुझे, मैंने proper photography course किया है online. जी जी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं. तभी तुम्हारी तस्वीरें इतनी अच्छी आती हैं. सब हिदायत पिक्चर्स लेते हैं. ओह माय गॉड, मतलब हस्बैंड ने बीवी को खुश करने के लिए कोर्स किया ऑनलाइन. ओके सही है, फिर तुम जीतो भाई. ओके, मैं ही जीतने वाला हूं. नहीं नहीं, अभी अभी नहीं दे रही मैं आपको. ये जवाब इनका जो है इन्होंने गलत किया. और आपसे सवाल है, सनिया से लास्ट फड्डा आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था, याद करें? आज सुबह ही हुआ था कि मैं टाइम नाक की जगह होंठ होते तो कैसा लगता. वाह वाह वाह, ये मैं पजल पूरा करूंगा. पजल पूरा कर. अच्छा सनिया, तुम्हारी अंदर की कौन सी एक क्वालिटी है जो हिदायत को कभी किसी और लड़की में नजर नहीं आएगी, तुम्हें क्या लगता है? मैं हम्बल हूँ, जजमेंटल नहीं हूँ, ऑनेस्ट हूँ. ये हमारी पाकिस्तानी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं. गलत जवाब. सही जवाब. तभी तो मेरी है तुम्हें. यस, क्या बात है, हमारी पाकिस्तानी लड़की हम्बल लड़की पे मर मिटा. ऑस्ट्रेलियन मुंडा हम्बल. अच्छा सनिया को कौन सा घर का जो काम है उसको अच्छा नहीं लगता करना? वैसे तो उसको
ऑप्शन नहीं, इसलिए काम कर रही है. लेकिन एक काम जो उसको ज्यादा बुरा लगता है करना, क्या क्या एक काम में सुस्ती चढ़ती है? एक काम में सुस्ती चढ़ती है, सारा काम तो वो कर लेती है बस. वैक्यूमिंग और कभी कभी कपड़े इस्त्री करना. अच्छा, जब आप वो सोफे पे आराम से आपके साथ सुकून से बैठी और आप कहते हैं ग्रीन टी बना दो, तो वो उसको चेक करती है. यस, नहीं मिलेगा आपको. पता नहीं, मेरा सबसे छोटा काम मुझे उतना ही बुरा लगता है. आई नो, आई नो. ग्रीन टी नहीं मुझसे दी जाए, है ना? ये देखो सबसे छोटा काम, वो खुद बना के इसको भी दिया करो. मैं इनके लिए बनाती, खुद नहीं पीती, लेकिन सबसे बुरा लगता है. आई एम विनिंग स्टिल. ओके, सही. अगला सवाल, आपके हस्बैंड किन चीजों पर खुशी खुशी पैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं? मुझसे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, यू नॉर्मली किसी भी ओवरऑल किस चीज पे खुशी खुशी पैसे स्पेंड कर देते हैं? ट्रैवलिंग. और सही जवाब, ट्रैवलिंग. बिल्कुल, ये मेरा भाई है इस मामले में. हाँ, अच्छा वैसे ये क्या क्या अपनी मर्जी से ले लो. अच्छा वैसे कैसे हैं, कंजूस हैं या नहीं? हिदायत बिल्कुल कंजूस नहीं है. जो मांगती हूँ पैसे दे देते हैं या बहुत सारे लॉजिक्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब? नहीं, दे देते हैं. हिदायत का कार्ड ही मेरे पास होता है. तो मेरे पास मेरा, मैं फुल करवा के रखती हूँ अपना कार्ड. और जब मुझे कुछ लेना होता है हिदायत से उनका कार्ड लेके जाके वापस कर देते. कभी कभी फोन चेक करते हुए देखा है हिदायत की फोन चेक करी है? शक्की है कि नहीं हमारी हमारी लाहौरन? वैसे तो I never touch her phone, she never touches my phone. It's always been that way. वो शक हो तो फिर रिश्ते के क्या फायदा? क्या फायदा? वो वाला तो नहीं, आपने पैर का अंगूठे का तो नहीं लगाया हुआ कोड? ऐसा होता है? हाँ, तो आप पाकिस्तानी मर्दों को नहीं जानती? She has my fingerprint as well. अच्छा. And I have her fingerprint as great. well. Great. But हमने कभी phone check नहीं किया. नहीं किया. नहीं. खुला रहता सब कुछ, पर कभी नहीं देखा. She uses my phone whenever she wants to. I use her phone whenever I want to. तो अब आपसे सवाल है. जी. शादी से पहले की कौन सी चीज सनिया मिस करती है? क्या लगता है आपको कि एक कोई चीज है जो ये मिस करती होगी? सारी लड़कियां मिस करती हैं एक्चुअली. Her friends, her family, or food. She loves the food over here. नहीं, थोड़ा भाई अब गलत हो गया जवाब. गलत हो गया. थोड़ा सा फ्रीडम मिस करती है, मतलब लाइक अपनी मर्जी से सोना, उठना, जी है ना, गंदे रहना. यस यस, आई मिस दैट सो मच. मुझे नहीं याद बाल धोने भाई. यस, ओ मैं इतना मिस करती हूँ ना आपकी सोच. लेकिन मुझे उठ के बेड बनाना है, बिकॉज उनको है कि हर चीज बनी हुई. आई मिस दैट अ लॉट, बहुत ज्यादा. कभी कभार तो वो बेड गंदा और हम शूटिंग पे निकल जाते हैं. जी जी, ये अब नहीं होता. सुनो, बुआ कर लेना पीछे. अब नहीं होता, अब बिल्कुल नहीं होता. सो वो वाली चीज मुझे अम्मी, अम्मी मुझे सिखाई थी कि लाइक यू नो व्हेन यू वेक अप मेक योर बेड फर्स्ट. अम्मी ने तो हम लोगों को भी बहुत सिखाया था, लेकिन मैं फॉलो करता हूं. हम भूल गए, उनको याद है. वो मेक श्योर कहते हैं मुझे भी याद रहे. और कभी होता है ना मैं भूल जाती हूँ, तो ये नहीं कहते कि सनिया क्यों नहीं बना, जाएंगे खुद करना शुरू करेंगे. अच्छा सनिया, एक बात है, जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ना, जैसे हमारे भी बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे सारे कसबल निकल जाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी आपके पास तो हेल्प तो है ना. वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया है, वहाँ पे हेल्प का तो एक रिवाज है. आराम से मिल जाती है छुट्टी की मासी. सो वो बाद में जब आप पढ़ने गए होंगे ना, ये वाली आदत सारी वहाँ डेवेलप होगी, सब कुछ अकेले करना. कब तक आप गंदे घर में रहेंगे? अच्छा, कौन सी बात ऐसी है जो हिदायत का मूड ऑफ कर देती है सानिया? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं. कोई एक बात जो खास बात है मुझसे रिलेटेड? हाँ, मतलब लाइक आम जिंदगी से रिलेटेड. बेड नहीं बनता. क्या नहीं बनता? जब बेड नहीं बनता. बिल्कुल सही. अनहाइजीनिक, घर गंदा है, सानिया गंदी है, साफ सुथरा होना चाहिए. ओके, सही जवाब. आपको क्या लगता है? This is not fair. She's got all the big pieces. वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. आपने छोटे छोटे पीसेस हैं. दोनों के एट पीसेस हैं. अच्छा, उसके आपने होंठ चूज कर लिए, आंख चूज कर ली, फिर पता नहीं गरारे का पिक्चर बनानी है ना. हाँ ना, मैं बनाऊंगा. लाइक ओके, उसकी ज्यादा जल्दी बन रही है. अब जीतूंगा तो मैं. अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर प्रोफेशनली सानिया एक्ट्रेस ना होती तो वो और क्या होती? और क्या होती? हाँ, अगर वो एक्ट्रेस नहीं बनती तो करियर क्या चूज करती? और वो she loves books, she loves reading, okay. she loves
स्टोरी राइटिंग तो वो तो है directing. लेकिन प्रोफेशन क्या अपनाती उसी से रिलेटेड है वैसे करीब करीब हैं आप Ooh. मैं आपको पजल का एक टुकड़ा देना चाहती हूँ उसकी शक्ल तो कंप्लीट हो she would be in the media but she'll be behind the camera गलत जवाब नहीं मिला क्यों नहीं टीचर होती वो टीचर वो तो नहीं you've always told me you wanted to be behind the camera नहीं I love to teach as well इसलिए मुझे सिखाते रहती हैं आप सुन ले आप हाँ टीचर ओके अगला सवाल घर का कौन सा ऐसा काम है जो हिदायत को चिड़चिड़ती है जिसे करने से जो हिदायत को नहीं अच्छा लगता करना He does everything. लेकिन चिड़ किससे चढ़ती है काम से तो मैं जैसे ग्रीन टी बनाने से चढ़ती है ना सो हिदायत को किस काम से चिड़ चढ़ती है मैं दिखाता नहीं हूँ दिल में रखते हैं हाँ दिल में रखता हूँ शो के जरिए बड़ी बातें मियां बीवी को पता चल जाती है एक दूसरे की जब बेड नहीं बनता I'm saying it for the third time but I think नहीं लेकिन इनको खुद को जो करना पड़े डिशेस ना कितना मौका दूं मैं अपनी लड़की को ऐसा नहीं हो सकता मैं दबाद जी के साथ भी हूँ भाई कपड़े इस्त्री करना सही जवाब और भी बता दो अभी जो दिल में बता दो नहीं बस इतना ही वो वैसे मैं खुद कर देती हूँ हाँ ओके कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने की ख्वाहिश सनिया के दिल में अभी तक है पेरिस गलत जवाब जो तुम्हारे दिल में मुझे नहीं पसंद है वो जगह भाई She's always wanted to go to Paris. अगर मैं अभी सही करना चाहूँ इनको तो क्योंकि मैं मुझे वाकई में जाने का बहुत शौक है पेरिस वो तो है ना लेकिन तुमने अभी कुछ और बताया Yes, I know. बताओ It's not his वो कोविड में बेचारी बता रही थी कि पेरिस जाना मुश्किल है वो मालदीव जाना कहीं तो जाएं हम मालदीव में आप जा सकते हैं ना कोविड में कोई इतना टेंशन नहीं है अलग अलग आइलैंड लेकिन मालदीव वाकई आपकी भी चॉइस है मालदीव मैं तो ऑन एयर कहूंगी कि मेरी भी बड़ी चॉइस थी मैं इस कोविड में होकर आई हूँ लेकिन बहुत बोर हो जाता है बंदा कितना पानी देखेगा इतना पानी क्यों देखोगे और कोई नाइट लाइफ नहीं है कुछ नहीं है बस दोपहर में अंधेरा हुआ सो जा जाके पेरिस कर लेते और आप पजल ले लीजिए पेरिस ही है ऐसा नहीं हो सकता पजल तो पहले लड़के का कंप्लीट होगा भाई ओके सर आप उसको जितवा रही हैं वो जीत रही है पहले वो हार रही थी आपने जो शुरुआत की वो बड़ी जबरदस्त थी बाद में जाके कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज आ गई ओके अच्छा जब ऑफ होता है ना डे जब ये इनको काम पे नहीं जाना छुट्टी है सो इनको क्या करने में मजा आता है कुछ ना करने में सिर्फ बैठते हैं और टीवी देखते हैं लेकिन अपनी मर्जी से अगर कुछ करना हो काम ऑफ डे में तो ये क्या काम चुनते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूँ वार्डरोब ठीक करना क्लीनिंग या बता दें इनको आप भी कभी बिरयानी पका के खिलाते हैं क्या बिरयानी आज तक नहीं खिलाई बनाकर आई कुक एवरीथिंग एल्स सो कुकिंग ना कुकिंग छुट्टी सानिया आई कुडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू ओके काफी चीजें बाहर आ रही हैं शो में क्या कह रहे हैं तुम्हारे मतलब काफी चीजें बाहर आ रही हैं शो में हां अच्छा आपको क्या लगता है कि सनिया को जो जितनी भी ख़वातीन की फेवरेट चीज़ें होती हैं एक्सेसरीज हैं जैसे रिंग्स हैं वॉचेस हैं जेवर ज्वेलरी है मेकअप है कपड़े हैं इस तरह की चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है सनिया को रिंग्स सही जवाब ये एक मिनट इसको जोड़ने दो ना पहले अभी जोड़ा नहीं ये कुछ तो आया है ये ऊपर एक आंख तो आ गई है अब मेरी टीम फैसला करेगी ये नीचे ये नेक का पीस है ये हार है ना हां हां I'm just arranging the lips ये क्या है ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जी ये है अच्छा हो नीचे भी तो हार है ये देखो मैंने दामाद जी की हेल्प कर दी है भाई ओके दोनों बराबर ही लग रहे हैं मुझे 1 2 3 4 हां कितने एक दो तीन ना 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 सानिया के पास तीन पजल्स रह गए हैं और इनके पास चार सानिया जीत गई हमारी पाकिस्तानी लड़की जीत चुकी है सो आई शुड आई कंप्लीट द पजल क्या जी कंप्लीट कर दें हां प्लीज कंप्लीट कर दें सब चेहरे पूरे इसकी इनकंप्लीट फेस वैसे हिदायत रोमांटिक है
या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है? नहीं नहीं, हिदायत बहुत बहुत रोमांटिक है, बहुत ज्यादा। और ये है रोमांटिक या ये? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत इस मामले में इसको उगलवाना पड़ता है, कुछ उगलवाना पड़ता है, उगलवाना पड़ता है। ये थोड़ी सी ये ज्यादा बोलती है कि आप ज्यादा बोलते हैं? हाँ, अच्छा, वाकई हिदायत बहुत। और अच्छा लिसनर कौन है दोनों में से? ये सिर्फ बोलते हैं कि सुनते भी हैं? सन्या, जब बोल दूं कि आप सुनना है, आपने बोलना नहीं तो सुनते हैं, वरना बोलते रहते हैं। यार होस्ट होने का एक ही वैसे नुकसान है, मैं है कि हम ज्यादा बोलते हैं। मैं हिदायत को बताती हूँ कि हिदायत मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी और आपने सुनना है, इसमें बोलना नहीं, फिर वो घंटों सुनते। अच्छा, हिदायत को गुस्सा किस बात पर आता है? हिदायत को गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। और वो इससे फाइव पे ही आता है? नहीं नहीं, वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन मैंने कभी हिदायत को गुस्से में देखा नहीं, नहीं देखा, बहुत कम। और सन्या को गुस्सा किन बातों पर आता है? Anything small can trigger. Anything small. और गुस्से की है तेज के नहीं? जब हो जाता है गुस्सा, कभी कभार आता है, कभी हाँ। तो I think that's normal. जब आता है तो फिर टाइम लेकर जाता है। I think that's normal with everyone. दोनों में से ज़्यादा religious कौन है? I am. हाँ हाँ। और दोनों में से ज़्यादा वही सफाई पसंद तो आप ही हो, मतलब कि मेरा घर जब पूरा सेट रहे तो वो जाले वाले लगते हैं, तो ये बोलते हैं सनिया तुम्हें वो नजर आ रहा है वो? कभी या खुद ही करते हैं? कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने समझ लिया था ये किस किस्म के इंसान है। तो आज ये वो आदमी नहीं जो तौलियां फेंकता और तुम जूते वहाँ बाहर उतारो, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और बाथरूम क्यों गीला किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने भी हिदायत को कभी मौका नहीं दिया कि घर ऐसा हो, लेकिन क्योंकि उनकी आदत है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो मैं वैसे कर देती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है ये देख के, हमारी शोबिज की जो एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे लोग बहुत ये सोचते हैं कि नहीं बस इनको सिर्फ टीवी पे आना आता है, सजना सवरना सुर्खी पाउडर लगाना आता है, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यूज करती हूँ सो बार बार मैं लोगों को ये बताती हूँ कि ये लड़कियाँ पढ़ी लिखी भी होती है, अच्छे घरों से हैं एंड बहुत अच्छी बीवियाँ भी हैं। बिल्कुल। सो वो ये मिसाल सन्या आपके सामने एक और मिसाल है, हैप्पीली मैरिड कपल माशाल्लाह से, एंड शी इज़ बैक विद सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड। वो इनको छोड़ने आए हैं इधर, इनकी शूटिंग शुरू हो रही है मंडे से, आप इनको एक और चैनल के ड्रामे में देखेंगी और वो ड्रामा रोज आएगा। सन्या हमें दोबारा स्क्रीन पे नजर आने वाली हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सो मच टाइम। थैंक यू अजलान, हो रहा है लेकिन उसको ये याद रहेगा कि मैंने उसको खुदाफिस किया था। थैंक यू निदा, मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और मैं हमेशा दुआएं देती हूँ, हमेशा आप लोग खुश रहें और बिल्कुल ऐसे ही सॉलिड कपल रहें जैसे कि अभी आप मुझे नजर आए। थैंक यू, आमीन। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद सरप्राइज, के बाद एक और सरप्राइज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आइए जी खूबसूरती पे बात करते हैं, और जब खूबसूरती पे बात करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जो अक्सर आप मेरे शो पे देखते हैं कि हम उसके उसकी खसूसियात आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं, एम कॉलरिक ब्रांड लेकर आई हैं डॉक्टर उमेरा हील। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नहीं, आपकी वजह से। एम कॉलरिक ब्रांड के बारे में हम बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि ये आम प्रोडक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिटेल फॉर्मुलेशन के बाद इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है, ऑर्गेनिक और इम्पोर्टेड मटीरियल का फ्यूजन है। और इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में डॉक्टर उमेरा हील हमें बताने वाली हैं, स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट के बारे में और बाकी विटामिंस, हेयर रीग्रोथ के बारे में, ये प्लीज़ आप ज़रा। अच्छा, बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि ये बिल्कुल फ्यूजन है। हाँ। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, उसकी ख़ास बात एम कॉलरिक की, वो ये है कि ये आप किसी भी एज में लगा सकते हैं, कोई भी जेंडर यूज़ करे। हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये नहीं कहते कि ये इस वक्त नहीं लगाई जा सकती। अच्छा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा। लाइक अगर मैं इसका वॉश की बात करती हूँ, ये आपका इसका जो है ना एम कॉलरिक का फोमिंग क्लेंजर है, ये सारे मेल एंड फीमेल बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश के साथ है, फुल ऑफ विटामिन सी है, तो आपकी ब्राइटनिंग के लिए आपके स्किन को लाइक ब्रश के थ्रू जो एक्सफोलिएशन भी होती है, मसाज भी होता है, डीप क्लेंजिंग भी होती है, ऑल इन वन आ जाता है। लाइक आपको अलग से स्क्रब नहीं करना, अलग से मसाजर यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने ट्वाइस अ डे इससे वॉश किया है, आपको बिल्कुल डीप क्लेंजिंग हो जाएगी। बट शर्त सिर्फ ये होती है कि ब्रश है तो एक बंदा जो है अपना अलग रखे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा खानदान एक ही ब्रश से फेस को वॉश नहीं करे। इतना अच्छा है कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ब्रश की
जरिए आपकी सारी अंदर से डीप क्लेंजिंग हो जाएगी। और इसमें निकलता फोम है, लेकिन अगर आप देखेंगे मैंने पहले भी दिखाया था आपको, बताऊं कि ये इस तरह से फोम निकलता है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दे फोम जो है लिक्विड वो पूरा ट्रांसपेरेंट ये फोम निकलेगा। ओके हाँ। अब ये फोम जब निकलेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं करना, जस्ट ये आपको क्लेंसिंग करनी है। और मॉर्निंग एंड नाइट वॉश आपने अगर इससे करना है, जैसे अभी आपने कहा कि जब ब्रश के साथ मसाज हो रहा है, और ख़ासकर स्पेशली जो है मॉर्निंग वॉश जो होता है जब आप प्रॉपर करते हैं तो आपके वाइट हेयर्स ब्लैक हेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा होता है क्या कि बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अपने ब्लैक हेयर्स को क्लियर कर लेते हैं बट ये कि फ़ौरन दोबारा हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो ब्लैक हेड वाइट हेड से छोटी सी चीज़ है, लेकिन और भी स्किन बिल्कुल आपकी डैमेज हो जाती है कभी सूरज से, कभी नींद का कम होना, डाइटिंग करना और बहुत सारी और चीज़ें। कोई बीमारी की बात भी आप उठते हैं, बहुत सारी दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से डैमेज। अच्छा डैमेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई ज़ख्म पड़े या कुछ हुआ है, आपकी स्किन फ्लेकी हो रही है, डिहाइड्रेट हो रही है, आप मेकअप कर रहे हैं तो वो फट रहा है, आपकी स्किन पर फ्रेशनेस नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि रंग बिरंगी स्किन हो रही है, एक चेहरे पर चार रंग आ रहे हैं। जी जी, उन तमाम जो डैमेजेस हैं उसको रिपेयर करने के जो ये स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट है। अच्छा ये बिल्कुल प्योर और उसका ऑर्गेनिक इसका फॉर्मूला है, इसमें देखें लेयर्स बनी हुई हैं, इसको इसलिए कि कोई इसमें केमिकल नहीं है जो कि इसको जो है आपको मिक्स करके रखे, ये होमोजेनाइज करे, ये सिंपल एज इट इज मौजूद है जो इसमें चीज़ें मौजूद हैं। आपने सिर्फ इसको शेक करना है और इसके जस्ट 1-2 ड्रॉप ऐसे निकाल के और ये आपने वॉश करने के बाद लाजमी लगाना है। तो इसको हम कहते हैं स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट और इसके अंदर पूरी ट्रीटमेंट बिल्कुल, मतलब वो तमाम लोग जो बहुत परेशान है कि क्या लगाएं जो हमारा फेस और स्किन रिपेयर हो जाए, चाहे वो हाथ है नेक या फेस खास कर होता है, तो इसका हमारे पास जो फीडबैक है वो ये है कि कुछ दिनों बाद ही आपका चेहरा आपको खुद अच्छा लगने लगता है और स्किन हेल्दी हो जाती है और जो मतलब फ्लेकी हो रही है या स्पाइडर वेव्स आ रही हैं जो बहुत अजीब सी वक्त से पहले बूढ़ी होने लगती है, स्किन बारीक होने लगती है, उन सब के लिए ये आप लगा। अच्छा इसको आपने मॉर्निंग के बाद वॉश के बाद भी लगाना है, इसको इवनिंग में भी लगा सकते हैं, इसको बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह और रात इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए। आपका जो भी रूटीन है, आप जो भी सीरम्स लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, बट इसको पहले लगाइए देन अपनी क्रीम लगाइए, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपके स्किन को। अच्छा आप वाइटनिंग सी सीरम के बारे में बताएं ना जरा, आप ब्राइटनिंग हो जाए। ब्राइटनिंग, अच्छा वाइटनिंग सी सीरम का ये देखें जेल फॉर्म में है और ये इसकी जो फॉर्मुलेशन है उसकी खास बात है आपके स्किन को ड्राई नहीं करता। मोस्टली वाइटामिन सी जो सीरम्स होते हैं वो स्किन को ड्राई करते हैं, ड्राई स्किन को हम कहते हैं किस चीज़ के साथ मिला के लगाइए। ये जेल फॉर्म में आपने लगाया, इस तरह से मसाज किया, लाइक अभी भी मैंने उसको पहले मेकअप से पहले अपना सी सीरम और फिर हाइलुरोनिक मिस्ट लगाया, देन उसके ऊपर मेकअप किया, मुझे प्राइमर की नीड नहीं रहती। तो आपने इस तरह से इसको मसाज करके लगा लेना है और ये आप सुबह और शाम लगाएं, ट्वाइस अ डे लगाना है। अच्छा इसको किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे नॉर्मली बच्चियों को बहुत शौक होता है कि हम कुछ लगाएं और हमारी स्किन अच्छी हो जाए, और माएँ बहुत परेशान होती कि प्रोडक्ट इनको यूज़ नहीं करने, 12-13 साल की बच्ची वो इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा एक और बहुत हम लोग गलती करते हैं, हम एक ही क्रीम ले लेते हैं, वो डे में भी लगा लेते हैं, रात में भी लगा लेते हैं, फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा। बिल्कुल, तो आपके यहाँ डे एंड नाइट क्रीम मौजूद है, दोनों चीज़ें अलग अलग। बिल्कुल एम्बाइट की जो डे एंड नाइट क्रीम है, अच्छा इसका मैं बताऊँ, इसको थोड़ा सा हमने एडवांस और इसको फुल ऑफ वाइटामिन किया है, रिच किया है वाइटामिन के साथ, जो हमारा पहला फॉर्मूला था इससे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उसकी वजह ये थी कि जब ऑनलाइन आप प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, देख के ले रहे होते हैं, तो हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की स्किन का हमें नहीं पता होता, तो इसमें हमने वाइटामिन का खासकर नाइट क्रीम में वाइटामिन ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि कोई भी लगा रहा हो तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरी बात है ये ब्राइटनिंग के लिए होता है, इसमें SPF मौजूद होता है डे क्रीम में। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेंट लगाएं, लिप ग्लॉस लगाएं, आप तैयार हैं। इसमें हल्का सा टेंट अपना SPF मौजूद है तो आपको कोई एक्स्ट्रा BB क्रीम या कुछ और लगाने की नीड नहीं है, चाहें तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं बट एज सच नीड नहीं है। अच्छा ये जो नाइट क्रीम है इसकी खास बात ये है कि वो तमाम लोग, इसलिए कि लोग कितनी चीज़ें लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, पिगमेंटेशन भी है, दानों के निशान भी हैं और स्किन को ब्राइट भी करना है, तो ये जो है इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जिससे आपकी पिगमेंटेशन जिनकी है वो भी लाइट होना शुरू हो जाएगी, पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा, आपके स्किन को एवेंटोन भी करेगा, आपके स्पॉट्स जो एक्ने के बाद हो जाते हैं उसको भी ख़त्म करेगा। और ये बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है कि मोस्टली होता है कि नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो हमें लगता है कि लगाएंगे तो पोर्स खुल जाएंगे, दाने निकल आएंगे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ जितने विटामिंस एसेंशियल हैं
आपके स्किन के लिए वो इसमें मौजूद है। अच्छा एक और बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों की प्रोडक्ट है हाइलुरोनिक मिस्ट। यस इसको लगाने का तरीका भी बड़ा आसान है। बिल्कुल और वो ये हाइलुरोनिक एसिड तो आजकल जान है ना हर किसी की। अच्छा बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इसको लाजमी लगाना चाहिए। हाँ। अच्छा होता है कि लोग समझते हैं सिर्फ फेस पे लगाना है बल्कि हम कहते हैं इसको आप फेस पे नेक पे अपने हाथों पे भी लगाइए और पैरों पे भी लगाइए जिनके स्किन ऐसे कि हाथ पैरों पे रिंकल्स जल्दी आती है और आप फेस पे तो बहुत कुछ कर लेते हैं हाथ पैरों का ट्रीटमेंट पे लोग कम जाते हैं या केयर कम करते हैं। इसका भी सिंपल ये तरीका आपने इसको प्रेस करके जेल निकालना है। इसको मैं निकालती हूँ इसकी नई बॉटल है ये। अच्छा इसको आपने निकाल के इसका जो जेल इस तरह से निकला आपने इसको दिन में 2 से 3 बार लगा लिया। अब 2 बार 3 बार भी लगा लिया तो बहुत है। अच्छा रात को लगाना है इवनिंग में लगाना जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स है आप जल्दी जल्दी हाथ पैर नहीं धो रहे हैं मुँह हाथ नहीं धो रहे हैं। आपने लेके लगाया इस तरह से खूब अच्छी तरह से मसाज किया जहाँ जहाँ पे आपके लाइंस है उसके ऊपर मसाज कर लिया सही तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट हो गई है प्लम्प हो रही है लाइक आपको फील होगा फीलिंग ही अच्छी आती है ना बहुत सॉफ्ट हो गई है आपको खिची खिची स्किन बिल्कुल और बुरा भी लग रहा होता है और इस मौसम में तो खासकर। लेकिन जो एक आफ्टर हम ट्रीटमेंट्स करते हैं लाइक फिलर या PRP करते हैं उसके बाद जो एक फील आती है वो आपको उसके बाद आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपने लाजमी लगाना है अपने हाथों पर भी नेक पे भी पैरों पर भी ताकि वहाँ से भी लाइंस खत्म हो जाए। अच्छा इसके अलावा अच्छा, आई रोलर के बारे में बताया हाँ, ना डार्क सर्कल्स तो हम भूल ही नहीं सकते भाई ये आई रोलर है। हाँ। इसको भी हमने थोड़ा सा इसलिए होता है कि डार्क सर्कल्स एक अलग चीज़ है सनकिन आईज अलग चीज़ है एंड रिंकल्स क्रोफिट्स एक अलग चीज़ है। अब उसके लिए ऑल इन वन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि तो पहले हमारा फॉर्मूला सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए था पफिनेस के लिए था बट अब अगर किसी के क्रोफिट्स भी हैं सनकिन आईज भी हो रही हैं तो सिंपल आपने इस रोलर को फ्रिज में रख के इस्तेमाल करना है और दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है तो आपकी जो रिंकल्स है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी क्योर मतलब स्किन हाइड्रेट हो जाएगी सॉफ्ट रहेगी। उसके अलावा जो है आपके जो डार्क सर्कल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू होंगे उसमें टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएंगे और जो सनकिन आईज हैं जो धस जाती हैं इसलिए कि बहुत ज़्यादा आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं नींद की कमी है कोई और इशू है अगर आप इसका 3 दफ़ा मसाज करेंगे तो उसकी मसाज के थ्रू वो हील होना शुरू हो जाएगा तो वो वापस जो है रिकवर हो जाएंगी और सेटल हो जाएंगी। सही अच्छा बालों की भी तरफ आते हैं ना जरा हेयर रीग्रोथ सेट बिल्कुल क्या है उसके अंदर। अच्छा हेयर रीग्रोथ सेट के अंदर हमारा एक टॉनिक है हेयर रीग्रोथ अपना एम कॉर्डिक का जो है ग्रोथ टॉनिक है इसके साथ ये इस तरह दिखा देती हूँ और इसमें जो है हमारा एक ये अपना हेयर ग्रोथ वाइटामिन है एक ये छोटा सा सीरम है इसमें हम चौथी चीज़ जो हमने ऐड की है अब वो कर दी है ऑयल इससे कि लोग ऑयल में बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि अब ऑयल कैसे लगाएं अब ये 3 चीज़ों में ऑयल नहीं है। पहले आपने ऑयल लगाना है हफ्ते में 3 बार ऑयल लगाना है रात को लगा के मॉर्निंग में वॉश कर लें कोई भी सल्फेट फ्री नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यहाँ पे एम कॉर्डिक का शैम्पू भी मिलेगा। अच्छा उसके बाद ऑयल तो आपने रात को लगाया मॉर्निंग में वॉश कर लिया ये जो आपके पास मौजूद है हेयर ग्रोथ टॉनिक और ये मैं आपको बड़ी बहुत जिसे कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ ये 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं 6 हफ्ते में अगर जिसके बाल ख़त्म हो चुके हैं 6 हफ्ते में ग्रोथ शुरू हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह 6 मतलब 1.5 महीने के अंदर आपको छोटे छोटे बेबी हेयर्स नज़र आना शुरू होते हैं। आपने 3 to 4 months करना है अगर आप बहुत परेशान हो गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये दोनों चीज़ें रोज़ाना लगेंगी आपने इसको साथ साथ स्प्रे कर लिया और 4 to 5 drops इसके डाले और इसके बाद मसाज कर लिया। अब सिर्फ रूट्स में लगाना है पूरे बालों पे नहीं लगाना है जस्ट आपने इसके तो सिर्फ आप यूँ समझ लें कि 4 से 5 कतरे पूरे स्कैल्प में लग जाएंगे और स्प्रे आपने पार्टिंग करके कर लिया। अच्छा इसको मसाज किया आपने जब आप सोचेंगे कि रोज़ाना लगाना है तो क्या रोज़ाना वॉश भी करना है ऐसे कि जो रोज़ाना जॉब पे जा रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं तो उनको लगता है शायद हमें रोज़ाना हेयर वॉश करना होगा शैम्पू नहीं करना है इसको लगा के कुछ भी फील नहीं होगा बट 1 से 2 दिन बाद अगर आपको फील लगता है कि मेरे बाल थोड़े से मुझे ऑयली लग रहे हैं या उसमें थोड़े से चिपक गए तो आप सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। शैम्पू आप 2 times or 3 times a week करेंगे साथ में इसका जो वाइटामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि एक तो इससे वेट नहीं बढ़ेगा किसी सूरत नहीं बढ़ेगा वेट और जब आप इसको खाएंगे तो आपको खुद होगा कि आपका हेयर फॉल फौरी तौर पर रुक जाता है आपकी बॉडी के अंदर जो वाइटामिन की डेफिशिएंसीज है वो उसको पूरा करता है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है और न्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कराची के अलावा पाकिस्तान के और कौन कौन से शहरों में ये दस्तियाब है। ये पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स तो पूरे पाकिस्तान में UAE में दस्तियाब है आप आराम से पाकिस्तान में और UAE में ऑर्डर करके मंगा सकते हैं ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के अलावा बाकी जो चीज़ें अगर खुद बंदा आके चेक करवा के लेना चाहे तो उसके लिए तो मैं आपको पता है जाती रहती हूँ पंजाब पूरा विजिट होता है मेरा और
अभी फिर दोबारा जा रही हूँ 22, 23, 24, 25 को मैं मौजूद होंगी लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और फैसलाबाद में। तो वहाँ पे ये तमाम प्रोडक्ट्स अपने स्किन दिखा के भी चेक करके भी ले सकते हैं, आके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जो क्लिनिक है रसास वदा जो कि तारिक रोड पर, बिल्कुल, उसके OPD के जो टाइमिंग्स हैं और डेज हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, क्लिनिक जो है रसास वदा पूरे 6 डेज ओपन होता है, 11 to 7 इसके टाइमिंग्स होते हैं। अपॉइंटमेंट्स में मैं होती हूँ, लेकिन वैसे OPDs के जो डेज हैं मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे होते हैं। इन तीनों दिनों में मैं पूरा दिन वहाँ पर मौजूद होती हूँ। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हर महीने में पूरा पंजाब का विजिट होता है, उसमें अपना लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और इस्लामाबाद भी मौजूद होता है। उनके डेज आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे मिल जाएंगे, लेकिन कराची में जो आने वाले हैं उनको 3 दिन अपने कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए वो पूरे 6 दिन कभी भी आ सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऑफर क्या है हमारे नाज़रीन के लिए? ऑफर, ऑफर ही अब वो रसास वदा के साथ ऑफर लिखा हुआ है ना कि निदा का प्रोग्राम देख के GMP के थ्रू जो आ रहा है उसके लिए ऑफर है, और आपका नाम लेके, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का नाम लेके जो भी आ रहा है उसको तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जो हमेशा हम दे रहे होते हैं 10% उसके ऑफर है, लेकिन प्रोसीजर्स के ऊपर भी जो है 20% ऑफ किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो निदा और GMP का रेफरेंस दे के आएगा। यस 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 यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए, मंडे मिलेंगे एक धमाकेदार शो के साथ। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी, बल्कि चूम के हवा